बंधा गोभी को हम छोटे छोटे साइज में कट करेंगे, बहुत छोटे छोटे साइज में। मैं जितना छोटे से कर सकती हूँ उतना करी, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता, कोई कोई तो और भी छोटा कर सकता है। और कट करने के बाद इसे हम पानी में अच्छी तरह धो के पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। स्वाद अनुसार मिर्ची, मैंने 4 मिर्ची लिया है, वो आपके स्वाद के अनुसार आप ज़्यादा खाए तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं दिया मिर्च। और ये मिर्च और बंधा गोभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसमें दाल मिक्स करेंगे, और ये दाल जो पानी में भिगो के रखा है 2-3 घंटे पहले, इसे कोट लेंगे, अच्छे तरह से पेस्ट बनाएंगे। और इस दाल की पेस्ट को हम मिक्स करेंगे इसमें, और इसमें देंगे हल्दी और नमक, और कोई ज़रूरत नहीं कुछ और कुछ की। तेल को गर्म कर दिया था पहले ही, इसमें हम अब जो दाल बंधा गोभी मिर्ची हल्दी नमक उसकी जो मिक्सर है, इसे हम छोटे छोटे बॉल में वहाँ डालेंगे। और इसे दोनों तरफ उलट पलट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जल भी सकते हैं, तो मतलब उलट पलट करने ज़रूरत है टाइम टाइम अनुसार। और मैंने जो उधर लाल हो गया तो इधर क्या दोनों तरफ पकने के पकेगा तो टेस्ट भी अच्छा, इसलिए मैं इसे उलट पलट कर रही हूँ। और ये देखो लाल लाल हो गया, पक गया है, टेस्टी भी बहुत है। आप लोग जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।